हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इन्फोटेक ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और आप उसके ATM या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ATM कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी ATM फॉर्म की। उसके लिए या तो आप अपनी नजदीकी ब्रांच में जाके फॉर्म ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल और डेस्कटॉप पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करके भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां से भी फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे फॉर्म ओपन करके दिखाता हूं कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है। आप अपने मोबाइल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां आपको टाइप करना है PNB ATM कार्ड फॉर्म। ये टाइप करने के बाद सर्च कीजिएगा। यहां दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ पहले नंबर पे एक लिंक दिया गया है जहाँ लिखा है ATM कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक। इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, डेस्कटॉप पे डायरेक्ट ओपन हो जाता है। इस पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को ओपन कीजिएगा। ओपन होने के बाद फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर की साइड लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ATM/डेबिट कार्ड। तो अब फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, तो आइए देखते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं। तो गाइज, फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद या अपनी नजदीकी ब्रांच से प्राप्त करने के बाद आइए देखते हैं इस फॉर्म को फिल किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ कॉलम दिया गया है BO का, यानी कि ब्रांच ऑफिस। यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच लिखनी है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है। सेकेंड कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। थर्ड कॉलम में आपको डेट लिखनी है, जिस भी डेट पे आप फॉर्म को सबमिट करने के लिए अपनी ब्रांच में जाएंगे। यहाँ दो कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फिक्स करनी है, एक फ़ोटो लगानी है। आइए आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ ATM/डेबिट कार्ड प्लीज़ टिक। यहाँ कुछ कॉलम दिए गए हैं, क्लासिक, प्लैटिनम, मित्रा, किसान ATM, किसान डेबिट कार्ड, रक्षक क्लासिक, रक्षक प्लैटिनम एंड अदर्स। इसमें से आपको एक कॉलम पे टिक लगाना है, यानी कि आप जिस भी तरीके का डेबिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं उस कॉलम पे टिक लगाएंगे। दोस्तों, आमतौर पे क्लासिक डेबिट कार्ड का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ क्लासिक के आगे टिक का निशान लगा देंगे। तो आइए अगले कॉलम पे चलते हैं। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ब्रैकेट में लिखा है इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जैसे कि मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, ये केवल जॉइंट अकाउंट के लिए है। नेक्स्ट कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इन ब्लॉक लेटर्स, लेकिन इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू बी एम्बॉस्ड ऑन कार्ड, यानी कि वो नाम जो भी आप अपने डेबिट कार्ड पे लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उस नाम को लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले से ही लिखा है। आप अपने नाम और सरनेम के बीच में यहाँ पर एक स्पेस जरूर दीजिएगा, एक बॉक्स खाली छोड़ दीजिएगा। बाकी के ये तीन कॉलम आपको एज इट इज़ खाली छोड़ देने हैं, यहाँ पर आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। इससे नीचे के दो कॉलम दिए गए हैं, यहाँ लिखा है फर्स्ट एड ऑन कार्ड होल्डर रिलेशनशिप विद अकाउंट होल्डर, ये भी आपको खाली छोड़ देने हैं, ये केवल जॉइंट अकाउंट के लिए हैं। आइए आगे चलते हैं। थर्ड दिया गया है टाइप ऑफ कार्ड, ब्रैकेट में प्लीज टिक। फर्स्ट लिखा है पर्सनलाइज्ड, सेकंड नॉन पर्सनलाइज्ड, यानी कि पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड वो होता है जिस पर आपका नाम और फोटो छपी होती है, नॉन पर्सनलाइज्ड में ये सब नहीं होता। तो जैसा कि मैं पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड चाहता हूँ तो उसके आगे टिक का निशान लगा दिया गया है। आइए अगले कॉलम पे चलते हैं। अगला कॉलम है मोबाइल नंबर का, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर वही मोबाइल नंबर लिखिए
जो आपने अपने खाते में दिया था। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ईमेल का। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, यदि है। यदि आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो इस कॉलम को एज इट इज़ खाली छोड़ दीजिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है डिटेल ऑफ मेन एंड लिंक्ड अकाउंट। यहाँ पर आप अपने खाते की जानकारी देंगे, आपका खाता किस प्रकार का है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे SF। अगर आप करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे CA। यहाँ लिखा है 16 डिजिट अकाउंट नंबर। यहाँ आपको अपने 16 अंकों का अकाउंट नंबर फिल करना है। बाकी के दो कॉलम आपको एज इट इज़ खाली छोड़ देने हैं, ये केवल जॉइंट अकाउंट्स के लिए हैं। आइए आगे चलते हैं। लास्ट में सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट अकाउंट होल्डर, यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी के साथ पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप अपने आधार कार्ड की एक कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कीजिए और अपनी नज़दीकी ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। विद इन 2 डेज या तो ATM कार्ड आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपके एड्रेस पे ATM कार्ड की डिलीवरी नहीं होती है तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाके भी ATM कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपकी कन्फ्यूज़न इस वीडियो से दूर हुई होगी। आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, YouTube पे ये मेरी पहली वीडियो है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।